इनसे मिले कार्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि कला किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। अगर मन में सच्ची लगन हो और कुछ अलग करने की तमन्ना हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, किसी भी मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। कम उम्र में ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आज के हमारे मेहमान नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम आपको बता दें दर्शकों कि नरेंद्र ने बहुत ही कम उम्र में महानगर में ही नहीं, महानगर के आसपास, चाहे लखनऊ महोत्सव की बात करें, बस्ती महोत्सव की बात करें, मगहर महोत्सव की बात करें, हर मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अपने बच्चों को लेकर इतना बेहतरीन प्रदर्शन ये करते हैं कि जो आयोजक हैं वो बार बार इन्हें बुलाने के लिए बिल्कुल लालायित रहते हैं। और इन्होंने अपनी कला से, अपनी प्रतिभा से लोगों के बीच अपनी अच्छी पहचान बनाई है। तो नरेंद्र, आपके मन में कब ये आया कि आप नृत्य करना चाहते हैं? जब मैं क्लास 2 में था जी, उस समय स्कूल में, जैसे कि हर स्कूलों में चलता है कि उनका वार्षिक उत्सव जी, जो कि आज के टाइम लोग एनुअल फंक्शन जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वार्षिक उत्सव हमारे यहाँ होता था, विद्या मंदिर स्कूल है जी। उसमें 3 दिनों का वार्षिक उत्सव चलता था, जिसमें एक सबसे पहले ऑडिशन होता था। ऑडिशन के बाद से फिर उसमें जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होते थे, फिर उनको ट्रेन किया जाता था, फिर उनकी परफॉर्मेंसेज होती थी। तो फिर हम लोगों ने एक छोटे मंच को लेकर के, स्कूल के मंच से लेकर के, फिर धीरे धीरे हर साल हम लोगों ने कुछ अच्छी चीजें करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट नेशनल के लिए भी तैयारी की। फिर ये हुआ कि नहीं, अब इसको सिर्फ इतना ही नहीं, इसको और अच्छे से करने के लिए आपको एक मतलब कि डिग्री चाहिए जी प्रोफेशनल बनने के लिए। क्योंकि आप, जब तक आपके पास एक डिग्री नहीं होगी या एक अच्छा नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप इस फील्ड में एक जगह नहीं बना सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीजें रह जाती हैं कि जो कि बाकी जो डिग्री जिनके पास होती हैं उनकी पूरी जानकारी उनको, उसमें जो बारीकी होती होगी वो डिग्री के ट्रेनिंग लेने के बाद, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद से ही वो सारी चीजें होती। अच्छा, वैसे हम लोग के समाज में ऐसा माना जाता है कि नृत्य केवल लड़कियों का या बच्चियों का प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन आपने इसको चुना है, तो शुरू में क्या क्या रिस्पांस रहा आपके माँ बाप का, आपके घर में, या टीचर्स का, या आपके दोस्तों का, कैसा रिस्पांस रहा? जो कि शुरू में तो कोई भी फैमिली ये नहीं चाहती है कि बच्चे हमारे डांस करें, बस उसको एक एज ए एंजॉयमेंट के लिए लेके चलते, मतलब प्रोफेशन नहीं बनाना चाहती, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें आपका कोई करियर नहीं बन सकता है। लेकिन ये मैं बता दूं कि इसमें भी आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं, लेकिन उसकी आपकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जी। जब तक आपके पास वो नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप इस फील्ड में अगर करते भी हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको बैकफुट पे जाना पड़ सकता है। अच्छा, आपने बेसिक शिक्षा कहाँ से ली नृत्य की? बेसिक मैंने किया हुआ है प्रजा संगीत समिति से मैंने किया हुआ है। तो नरेंद्र जी, इतनी कम उम्र में बच्चे आपसे बहुत जुड़े हुए हैं, हमारी हजारों की संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं जी। और वो आपसे प्रशिक्षण भी ले रहे हैं इस डांस एकेडमी के माध्यम से, तो आपको कैसा लगता है जब इतनी कम उम्र में वो आपको कृष्णा सर कह के बुलाते हैं? कहीं ना कहीं वो एक गर्व का पल होता है कि बच्चे मतलब कि कहाँ, जहाँ पे हम लोग सीखते थे, आज भी उन जो टीचर्स हैं वो भी आज मुझे सर के ही तौर पे बुलाते हैं क्योंकि उनके साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक गुरु और शिष्य का वो लगाव होता है, अपने से बड़े को या अपने से छोटे भी अगर आपका गुरु है तो उसको भी सर बोलते हैं जी। तो वो एक जो टीचर होता है उसको बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा, अभिभावकों का, जैसे जो बच्चों को लेके आते हैं, तो वो अभिभावकों का क्या एटीट्यूड रहता है कि किस लेवल तक वो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं? हाँ, ये चीज़ें होती हैं, ये चूँकि फील्ड ऐसी है कि आपको स्ट्रगल करने पड़ते हैं, और अगर आपको एक अच्छा परफॉर्मर बनना है या आपको अच्छे लेवल पे जाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो चाहे ये संगीत का फील्ड हो या एजुकेशन फील्ड है, जब तक आप उसमें समय नहीं देंगे तब तक आप एक अच्छे मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। और जो भी अभिभावक होते हैं वो यही सोचते हैं कि बच्चा हमारा ऐसी क्लास जाए, वो एक ट्यूशन की टाइप से करता है,
तो वो एक एज ए फिटनेस के तौर पे इसको कर सकते हैं कि एक हॉबी आ गई, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल नहीं जल्दी बनना चाहता है। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे भी अभिभावक होते हैं जो कि प्रोफेशनल भी जाना चाहते हैं, लेकिन वो करियर के रूप में देखना चाहते हैं, करियर के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में पढ़ाई भी जरूरी होती है। बिना शिक्षा के आप इस फील्ड में भी अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज की प्रॉब्लम हो सकती है कि क्योंकि आप एक शिक्षित रहेंगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज होती है, लोगों से आपको, आप एक आर्टिस्ट बनते हैं तो लोगों से इंटरेक्शन अच्छा होता है, लोग आप समझते हैं कि हाँ ये अच्छा व्यक्ति है, नॉलेजबल है, तो आपसे और भी लोग ज्यादा आपसे जुड़ना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। अच्छा कृष्णा जी, आपने जैसे पिछले 7-8 सालों में जब से हम देख रहे हैं लगातार कई मंचों पर अपने बच्चों के साथ और अपना पर्सनल भी आपने प्रदर्शन किया है, तो आपकी उपलब्धियां अभी तक, हालांकि उम्र बहुत कम है, लेकिन फिर भी क्या उपलब्धियां रही? अभी तक मैंने 600 से ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंसेस, 600 जी। तो चूंकि वो काउंटिंग में अभी तो नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी मैं कह सकता हूँ कि 600 से ज्यादा ही होंगे। कोई विशेष प्रदर्शन रहा हो कहीं पर आपने, कोई बड़ा स्टेज मिला हो? बड़े स्टेज में तो मुझे एक अवार्ड भी मिला हुआ है, 2 अवार्ड है, एक राष्ट्रीय धरोहर सम्मान, एक राष्ट्रीय नवांकुर सम्मान, क्योंकि प्रतापगढ़ में हुआ था राष्ट्रीय शैक्षिक महाकुंभ, पूरे इंडिया से, यहाँ तक कि पटना के खान सर, फिर सुपर 30 के जो हमारे आनंद जी हैं, ये सब लोग उसमें एज ए गेस्ट आए हुए थे जी। गोरखपुर से मैं एक अकेला था, आपके लिए तो गौरव की बात है, खासकर गोरखपुर के लिए भी गौरव की बात है कि आप यहाँ पर रहते हुए आपने ये उपलब्धि हासिल की। आपने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी अपने बच्चों का प्रदर्शन कराया, राष्ट्रपति जी महामहिम जब आए थे उनके भी कार्यक्रम में आपने शिरकत की थी, तो निश्चित रूप से अभिभावकों के मन में भी ये रहता है कि उनके बच्चे सही लाइन पर कहीं ना कहीं सही गुरु के पास हैं जी। तो आप अभिभावकों से कुछ और कहना चाहते हो तो जरूर कहें इस कार्यक्रम के माध्यम से। अभिभावकों से मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चों की जिसमें रुचि हो उसमें जरूर एक बार देखें कि बच्चा किस चीज़ में रुचि, ऐसा नहीं है कि उसको किसी और फील्ड में, जैसे स्टडी में है तो सिर्फ स्टडी कराएं, उसको एक अलग स्किल भी दें जो कि उसकी हॉबी के थ्रू के यूज कर सकते हैं आप, नृत्य हो या संगीत हो या कोई इंस्ट्रूमेंट अगर प्ले कर सकते हैं तो इंस्ट्रूमेंट को भी आप कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे की एजुकेशन भी सही रहती है और एक बच्चे की अलग हॉबी भी बनती रहती है, ताकि अगर एजुकेशन से वो थोड़ा सा डीमोटिवेट भी हो रहा है तो वो उसको करके फिर वो मोटिवेट हो जाएगा। नहीं, जैसे आप भी इस प्रोफेशन में तो ही हैं, डांस तो आप सिखा ही रहे हैं और लगातार कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने करियर के लिए पढ़ाई भी करते हैं या कोई जॉब भी कर रहे हैं ऐसा मालूम हुआ है, तो इसमें सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं समय का? सामंजस्य यही है कि समय की थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, समय अपनी उसको अलग अलग डिवाइड करके रखना होता है, एक घर घर पे भी समय देना, फिर उसके बाद जो प्रोफेशनल फील्ड है ये तो पूरी है कि जब आप सुबह से स्टार्ट करिए शाम तक वो होता ही रह जाता है, कहीं ना कहीं चीज़ें लगी कोई एंड नहीं है जी, कोई एंड नहीं होता, लेकिन उसी के बीच में आप दिन हो 2 घंटे 4 घंटे भी अपने आप को समय निकालना पड़ता है, रात्रि सब लोग फैमिली सोने के बाद से भी हम लोग उस पर वर्क करते हैं, एज ए मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, एनिमेशन में भी कुछ वर्क कर रहा हूँ, तो वो चीजें मैं रात में ज्यादातर करता हूँ। अच्छा, जैसे बालस्वर सेवा संस्थान है तो कई तरह के प्रोग्राम आयोजित करता है, सांस्कृतिक और फिर समर कैंप, तो जैसे 10 दिनों में या 15 दिनों में आप बच्चों को कैंप के माध्यम से शिक्षित करते हैं और सैकड़ों की संख्या में बच्चे होते हैं, वो कितना कठिन होता है? ये तो बहुत कठिन तो होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ी शरारती होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसा बहुत रेयर होता है कि सारे बच्चे थोड़े से ट्रेंड हों, सब अनप्रोफेशनल बच्चे आते हैं, उनको एक साथ में लेकर के आना, एक सही गाइडेंस देना, फिर उनकी लास्ट में समापन समारोह, समापन में आप दर्शकों में बता दो कि उनकी प्रस्तुतियां बिल्कुल अद्भुत और अकल्पनीय होती हैं, कि ये आश्चर्य देखकर होता है कि इतने कम समय में बच्चे इतने परिपक्व कैसे दिखते हैं,
तो ये आपकी आपके मेहनत का आपके परिश्रम का परिणाम है। और नरेंद्र के लिए अगर ये कहा जाए कि गिर गिर कर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, गिर गिर कर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, आए मुश्किलों देखो मैं कितना बड़ा हूँ। नरेंद्र हम सब की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप यूं ही उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर अपने को और आगे लेते जाएं, बच्चों को और आगे ले जाएं, यही ईश्वर से प्रार्थना है। कुछ कहना चाहते हो अभिभावकों से? अभिभावकों से यही कहना है कि बच्चों को कभी बांध करके मत रखिए, उनको एक अच्छी ऊंचाई देने के लिए आपको बच्चों को समझना भी बहुत जरूरी है। उनका नेचर समझना पड़ेगा, उनकी हॉबी क्या है, ये थोड़ा गौर करने की बात है। अगर उनकी रुचि के अनुसार उनकी प्रतिभा का विकास किया जाए तो निश्चित रूप से एक तो वो पूरी रुचि से इंटरेस्ट से काम करेंगे और एक देश का सुदृढ़ नागरिक बनने में उन्हें हेल्प मिलेगी। तो नरेंद्र आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए इतना समय दिया, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आने वाले दिनों में आपका नाम यूं ही अभी तो प्रदेश स्तर पर है लेकिन राष्ट्रीय फलक पर भी आप सूर्य की तरह चमकें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार।